गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। तो क्वेश्चन आया, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन है इसमें से? तो इसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताने कौन कौन से हैं। एक लिस्ट बताई थी मैंने, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसके बाद आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये लिस्ट है, देखो जब भी आपको माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट पूछा जाए, ये लिस्ट है। तो माइक्रो में आ जाता है जिंक, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, आयरन, कॉपर, क्लोरीन। और मैक्रो में आ जाता है कार्बन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, हाइड्रोजन। तो ये हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो पूछा गया एनपीके, सबसे कॉमन न्यूट्रिएंट सॉइल के चाहिए एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट इज एन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, टॉक्सिक सब्सटेंस या सिंथेटिक फर्टिलाइजर। जैसे अर्थवॉर्म को हम लोग यूज कर लेते हैं वर्मी कंपोस्ट के तौर पर, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। अर्थवॉर्म जो है वो यूज हो जाता है वर्मी कंपोस्ट के तौर पे, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है, सिंथेटिक भी नहीं है, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर। आंसर इज ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर। वो कंट्री जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, ये क्वेश्चन तो कई बार देखा हुआ है। कंट्री दैट शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया इज, सबसे लंबी बाउंड्री इंडिया किससे बनाता है? बांग्लादेश। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री? इनमें से कौन एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है अफ्रीका का? इनमें से कौन अफ्रीका का एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है? बोत्सवाना और लेसोटो। बोत्सवाना, लेसोटो, बोथ आर लैंडलॉक्ड। जाम्बिया भी लैंडलॉक, नाइजीरिया लैंडलॉक नहीं है, नाइजीरिया लैंडलॉक नहीं है।
इसमें से कौन मीथेन एमिशन का सोर्स है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन इन टू द एटमोसफेयर? इसमें से कौन मीथेन एमिट करेगा? मीथेन एमिशन वेटलैंड, मीथेन एमिशन का सोर्स वेटलैंड। बहुत सारे सोर्स हैं लिखवाए हुए ऑलरेडी कहाँ कहाँ से एमिशन होगा। CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं उसका रीजन, CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं उसका रीजन क्या है? CO2 is called a greenhouse gas because CO2 is called a greenhouse gas because it absorbs infrared, क्योंकि ये absorb करता है IR radiation, क्योंकि ये absorb करता है IR radiation। Which one among the following vitamin is necessary for blood clotting? इसमें से कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है? ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के, विटामिन के का साइंटिफिक नेम बताइए, विटामिन के का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट इज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वॉज रिलेटेड टू, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी रिलेटेड थी क्या चीज से?
एल्बर्ट विल भी यही था कि इंडियन जो जजेस हैं वो भी यूरोपियन के केसेस को देखकर डिसीजन दे सकते हैं, इंडियन जजेस यूरोपियन केसेस में डिसीजन दे सकते हैं, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको डिनाई कर दिया था। तो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, आंसर इज सी। मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन कहाँ पर होता है इसमें से? सबसे ज्यादा वाटर कंजम्पशन इनमें कहाँ पर होता है? मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है थर्मल पावर, मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन, मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन थर्मल पावर। इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं? प्रेजेंस ऑफ ए टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विथ क्राउन फॉर्मेशन कैनोपी फॉर्मेशन ट्रू, को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ट्रू, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वराइटी ऑफ एपीफाइट, एपीफाइट वो होते हैं वो प्लांट जो दूसरे प्लांट पे ग्रो कर जाते हैं, एपीफाइट वो होते हैं जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, तीनों सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन वेयर, सबसे इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड दुनिया के कहां पर है? जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मीट करती हैं, वार्म और कोल्ड ओशन करंट जहाँ मीट करती हैं वो सबसे मेजर फिशिंग ग्राउंड है दुनिया के, वार्म और कोल्ड ओशन करंट जहाँ पर मीट करेंगी।
फोटोकेमिकल स्मोग इनमें से क्या क्या कंटेन करता है? फोटोकेमिकल स्मोग इसमें से क्या क्या कंटेन करता है? एन ओ टू ओ थ्री पी ए एन ये सारी चीजें होंगी। फोटोकेमिकल स्मोक में एन ओ टू ओ थ्री पी ए एन ये सब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटू मेकिंग? टैटू मेकिंग के कारण कौन सी बीमारी ट्रांसफर हो सकती है एक से दूसरे में? चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस और एचआईवी एड्स। चिकनगुनिया तो नहीं, वो तो मच्छर से फैलता है। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी एड्स। एचआईवी एड्स के होने के जो रीज़न होते हैं वही रीज़न हेपेटाइटिस में भी होते हैं। जिन कारणों से एचआईवी एड्स हो सकता है उन्हीं कारणों से हेपेटाइटिस बी भी होता है। ये क्वेश्चन, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ एनएसजी, इंडिया एनएसजी का सदस्य है, ये क्वेश्चन देखो क्या सही क्या गलत। इंडिया एनपीटी साइन किया? नो। नॉन सिग्नेटरी ऑफ द न्यूक्लियर एनपीटी, ट्रू। मेंबर है एनएसजी का, फॉल्स। सेकंड होगा और थर्ड नहीं होगा, तो ये दोनों गए। और इंडिया न्यूक्लियर पावर है फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में न्यूक्लियर पावर फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स है थर्मल रिन्यूएबल के पास। सही है, वन एंड टू सही है। आंसर इज वन एंड टू।
Which of the following statement related to planet Venus is error correct? Venus planet के बारे में क्या statement सही है? Venus के बारे में क्या statement सही है? सन के नियरेस्ट है, गलत, मरकरी नियरेस्ट है, तो पहला फॉल्स हो गया। अर्थ से थोड़ा ही छोटा प्लैनेट है, ट्रू। इसके पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, गलत, एटमॉस्फेयर है तो नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, ये सही है, नहीं ये गलत है, मरकरी नियरेस्ट है, अर्थ से थोड़ा ही छोटा है, सही, और कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, गलत, आंसर होगा टू ओनली। ये क्वेश्चन तो कई बार देखा, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आचार्य जे बी कृपलानी। इसमें से कौन किससे जुड़ा था? यंग इंडिया, गांधी जी, वंदे मातरम, अरविंदो घोष। इसके अलावा देखो, ए का वन और डी का दो, ए का वन डी का दो, इसी से देखो, ए का वन डी का दो, इतने से बात नहीं बनेगी। न्यू इंडिया, बिपिन चंद्र पाल था, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया आई थिंक बिपिन चंद्र पाल। ये एक बार चेक करना पड़ेगा। ये चेक करना पड़ेगा, न्यू इंडिया एंटी टुडे चेक करना पड़ेगा। इसमें से कौन पॉल्यूटेड वाटर की वजह से नहीं होता? इसमें से कौन सी प्रॉब्लम है जो पॉल्यूटेड वाटर से नहीं होती है? पॉल्यूटेड वाटर से नहीं होता। न्यू इंडिया एंड कॉमन वेल्थ जो था, यानी बेसेंट का था वो, बिपिन चंद्र पाल बाद में जुड़े थे। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, दोनों ही एनी बेसेंट ने शुरू किए थे, बिपिन चंद्रपाल जुड़े थे उससे। तो
ये जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए होता है, डिसेंट्री, टाइफाइड, ये सब वाटर से होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एयरबॉर्न डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस है एयरबॉर्न, एयरबॉर्न डिजीज। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का क्या एक करेक्टरिस्टिक है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का इसमें से क्या एक करेक्टरिस्टिक है? रेन इन विंटर सीजन, रेन इन विंटर सीजन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। गलत, इंट्रोड्यूस मतलब स्टार्ट नहीं होगा। हाँ ठीक है, द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नो पावर टू रिजेक्ट मनी बिल, ट्रू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपुल एंड नॉट टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। हाँ ये तो लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। द हाउस ऑफ द पीपल हैज स्पेशल पावर विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट। गलत, फॉल्स, राज्यसभा के पास ये पावर होती है, ये स्पेशल पावर की जो बात है राज्यसभा के पास होती है स्टेट के मुद्दे पे। और मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है हमेशा पहले, तो मनी बिल हमेशा ही पहले इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में। ये कह रहा है राज्यसभा में नहीं आता, सही, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है रिजेक्ट करने के लिए, ट्रू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, ट्रू। हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा के पास स्पेशल पावर है स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे, राज्यसभा इसको डील करेगा, फॉल्स। डी गलत है, गलत बताना। गवर्नर मे रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, द गवर्नर मे रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। इफ ही इज कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो गवर्नर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए रिकमेंड करता है जब वो इस बात से सेटिस्फाई है कि स्टेट मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही है। स्टेट मशीनरी अगर ठीक से काम नहीं करती तो गवर्नर रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन के लिए। राष्ट्रपति शासन कह देते हैं पर रूल गवर्नर ही करता है वहां पर। स्वराज्य शब्द का पहली बार पॉलिटिकल सेंस में इस्तेमाल किसने किया था और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज किसने माना? हालांकि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है पर स्वराज्य को पॉलिटिकल सेंस में किसने पहली बार यूज़ किया और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज माना? तिलक। संगम लिटरेचर किस भाषा में है? संगम लिटरेचर लिखा गया तमिल में। अमरकंटक प्लेटू
is the origin of Amarkantak is Plato is the origin of बहुत बार पढ़ा क्वेश्चन नर्मदा व्हाट इज चिनूक वार्म विंड है नॉर्थ अमेरिका में वार्म विंड नॉर्थ अमेरिका इसमें से कौन लैंडलॉक नहीं है इसमें से कौन सा कंट्री लैंडलॉक नहीं है क्या आंसर होगा लैंडलॉक नहीं है जाम्बिया लैंडलॉक युगांडा लैंडलॉक जिम्बाब्वे लैंडलॉक अंगोला अंगोला इज नॉट लैंडलॉक कंट्री आंसर इज सी अंगोला लैंडलॉक कंट्री नहीं है कोई पर्सन अगर राइस और वेजिटेबल जो पोटैटो पोटैटो पर ही डिपेंडेंट है कोई पर्सन राइस और वेजिटेबल पर ही डिपेंडेंट है जो पोटैटो के बने हुए हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई राइस और पोटैटो राइस और वेजिटेबल जो पोटैटो के वही खाता है ये तो उसके अंदर डेफिशिएंसी क्या चीज़ की हो जाएगी उसके अंदर डेफिशिएंसी होगी प्रोटीन की क्योंकि राइस और पोटैटो दोनों ही कार्ब रिच हैं दोनों ही कार्बोहाइड्रेट रिच हैं कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोटीन की कमी हो जाएगी ये सब तो बता ही दो पेनक्रियास किस प्रकार की ग्लैंड है पेनक्रियास किस तरह की ग्लैंड है पेनक्रियाज है एंडो प्लस एक्सोक्राइन ऑर्गन पेनक्रियाज है एंडो प्लस एक्सोक्राइन इसमें से कौन एक ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है कौन एक ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है इसमें से वेस्टर्न घाट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है बाकी ये सब कोई बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है इसमें से कौन आशियान का मेंबर नहीं है इसमें से कौन आशियान का मेंबर नहीं है इंडिया आशियान का मेंबर नहीं है कौन से कौन इसमें से ग्रीन हाउस गैस है कौन इसमें से एक ग्रीन हाउस गैस है CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस कौन प्रेसिडेंट थे इंडिया के जो स्पीकर भी रहे थे लोकसभा के कौन प्रेसिडेंट थे जो लोकसभा स्पीकर भी रहे थे नीलम संजीवा रेड्डी नीलम संजीवा रेड्डी डुरंड लाइन सेपरेट करती है किसको किसको डुरंड लाइन सेपरेट करती है
अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। डांडी मार्च के पीछे गांधी जी का क्या उद्देश्य था? बोलो वहाँ शोर ना करें बच्चे। डांडी ठीक मार्च के पीछे गांधी जी का क्या उद्देश्य था? मना करूँगा। टू वायलेट द सॉल्ट लॉ। सीजनल चेंज जो होते हैं अर्थ पे उनका क्या रीजन है? सीजनल चेंजेस जो होते हैं किसके कारण? सीजन के लिए दो चीज जिम्मेदार है, अर्थ का टिल्ट प्लस रिवॉल्यूशन, अर्थ का टिल्ट प्लस रिवॉल्यूशन, तो इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एंड रिवॉल्यूशन, यही सही है बी। कौन सा वैक्सीन किस बीमारी के लिए? कोविड हेपेटाइटिस किसके लिए है? जॉन्डिस के लिए। BCG क्या चीज के लिए? टीबी के लिए। जोनस साल्क वाला वैक्सीन पोलियो और DPT डिप्थीरिया के लिए। अब एक आध दिन में स्पेशल क्लासेस और प्लान कर दूंगा मैं। 20 तारीख, कल 20 है, 20 से लेके 31। अब जो भी नए लेक्चर्स हैं, थ्योरी वगैरह और भी है, करंट अफेयर वगैरह जो भी कुछ है, क्वेश्चंस हैं, 20 से लेके 31 के बीच में 50+ क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लासेस। 20 से 31 के लिए मैं प्लान कर दूंगा आज। 50+ क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस। रिकॉर्डिंग जिनको ओपन करनी हो, रिकॉर्डिंग के लिए कोड लगेगा, अनलॉक करने के लिए लेक्चर्स को रिकॉर्डिंग में कोड ये वाला है। लाइव देखोगे तो कोई कोड नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग अगर ओपन करना है तो सौरभ GS या GS Live कोई एक कोड यूज़ कर लेना। जैसे अभी भी रिकॉर्डिंग लेक्चर ओपन कर रहे हो, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी, तो सौरभ GS या GS Live ये कोड अप्लाई कर दीजिएगा। शुभम पहले से बेटर है, अभी थ्रोट एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा था, पहले से अभी ठीक है। तो वैक्सीन और डिजीज ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं। अब कल या परसों से फिर हम कंटिन्यू करेंगे, स्पेशल क्लासेस लगातार होंगी 10-12 दिन। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू।